Hello everyone, today we are going to discuss about the topic kinesiology, biomechanics and sports. So let's start from the word kinesiology. Kinesiology ka meaning hota hai logy, whenever this word come the end of the word logy. Logy means study. Kines means movement. That means the branch of science in which we study the movement. Movement ke bare mein jab hum study karte hain to usko kinesiology ke consider karte hain. Kinesiology hum use mante hain. Second is biomechanics. Biomechanics means branch of physics or the branch of science in which we study the forces that are applied by our body. Our body ke dwara jo forces applied kiye jaate hain, un forces ke bare mein jo study karte hain, use hum kehte hain biomechanics. To kinesiology aur biomechanics ka sports mein bahut hi important role hai. So either the single activity or the activity that you perform individually or in the group. Group mein perform kare ya single perform kare, aapke body ke movement का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है. और जो बॉडी का मूवमेंट है उसके बारे में स्टडी करना, दैट हाउ टू मेक अ मूव, अ गुड मूव, अच्छा मूव करने के लिए अपनी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो वो आपकी एक्टिविटीज़ को और एक्टिविटीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको एफिशिएंट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इम्पॉर्टेंस ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड द बायोमैकेनिक्स. क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, किसकी, काइनेसियोलॉजी की एंड बायोमैकेनिक्स की. जैसे कि मैंने बताया आपको, काइनेसियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द फोर्सेस. तो ये मूवमेंट के बारे में और फोर्सेस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंस है इसकी. कुछ पॉइंट्स जैसे कि यहाँ शो किए हैं स्क्रीन पर, उनमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द ह्यूमन मूवमेंट. अगर हम काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन मूवमेंट. जो ह्यूमन का मूवमेंट है वो किस तरीके का है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, एब्डक्शन है, किस तरह का मूवमेंट कर रहा है ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में आप ईजिली समझ सकते हैं. एफिशिएंट द मूवमेंट, व्हेन एवर यू अंडरस्टैंड द मूवमेंट देन यू कैन ईजिली मेक द मूवमेंट एफिशिएंट. आप उस मूवमेंट को ईजिली एफिशिएंट भी कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने मूवमेंट को और अच्छा और इम्प्रेसिव या और भी एफिशिएंट बना लें. उसके लिए पहले आपको उस मूवमेंट के बारे में समझना जरूरी है और फिर उसको एफिशिएंट बनाना आसान हो जाता है. प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरीज, अगर आपका मूवमेंट जो है बहुत ही एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, करेक्ट है, तो उससे फायदा क्या होगा, यू कैन सेव योर सेल्फ और यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द इंजरीज. इंजरीज होने के चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाते हैं. तभी होंगे इंजरीज होने के चांस कम जब आप अपने मूवमेंट के बारे में जानते हैं, दैट हाउ टू रन, हाउ टू जंप, हाउ टू थ्रो एंड हाउ टू कैच. अगर कैच करने की पोजीशन पता नहीं है तो जो भी प्रोजेक्टाइल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, आपके हैंड से हटके आपको किसी और बॉडी के पार्ट पर लग जाएगा और आपको क्या करेगा, इंजर्ड कर देगा. अब मूवमेंट पता है कैसे बॉडी का बैलेंस करना है तो आप इंजरी से अपने को बचा लेंगे. अब यहाँ एक वर्ड यूज़ करा प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मीन्स एनी ऑब्जेक्ट दैट यू प्लेस इन द एयर. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम एयर में प्लेस करते हैं उसे हम प्रोजेक्टाइल कह देते हैं. और स्पोर्ट्स में ये प्रोजेक्टाइल कुछ भी हो सकता है, बॉल भी हो सकती है, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, जेवलिन, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, दीज ऑल आर द प्रोजेक्टाइल. क्योंकि ये सब क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम एयर में प्लेस करते हैं और इनके डिस्प्लेसमेंट से ही अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं. और जब एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को तो ईजिली यू कैन हेल्प इन रिसर्च. तो उस एनालाइज करने में इम्प्रूवमेंट कैसे आए, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करें कि हम इम्प्रूव कर लें अपनी परफॉर्मेंस को, तो वो रिसर्च वर्क कहला जाता है. तो जब आप मूवमेंट को समझ लेंगे, काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स को समझ लेंगे, तो रिसर्च वर्क भी ईजिली एफिशिएंट हो जाएगा, उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी. गाइड सेफ्टी प्रिंसिपल, जितने भी सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं उसमें भी काइनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ यू नो द काइनेसियोलॉजी, इफ़ यू नो द बायोमैकेनिक्स, देन यू कैन ईजली मेक योरसेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सेफ्टी प्रिंसिपल्स को समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं. सो ये इंपॉर्टेंस है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टू टॉपिक्स, काइनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स हमें पढ़ना है, जिससे कि हमारे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो उनके बारे में हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, अपना हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ईजिली इम्प्रूव हो जाए.
नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल। जो मस्कुलोस्केलेटल है उसके अंदर क्या बात है, मस्को मतलब मसल्स, स्केलेटल मीन्स आपका जो फ्रेमवर्क है बॉडी का। अब इसके जो दो पॉइंट है इसके अंदर आते हैं, ज्वाइंट आर्टिकुलेशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट तो काइनेसियोलॉजी वाला पार्ट आ गया, ज्वाइंट आर्टिकुलेशन का मतलब है ज्वाइंट का स्ट्रक्चर। अब जो मसल्स जो है हमारी, जो हमारी बोन्स हैं उनके साथ जो अटैचमेंट उनका है, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है, आप समझते हैं हमारे जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो मूवमेंट है, आपको जो एक्टिविटी में आपको जो परफॉर्मेंसेस है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज यू नो दैट ये मसल्स, ये जॉइंट हमारा जो है वो इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम अपनी जो एंगल ऑफ एक्टिविटी है, एंगल ऑफ रिलीज है, किसी भी प्रोजेक्टाइल को रिलीज करने का जो एंगल है, अगर उसको सही नहीं रखेंगे तो ईजली इंजर्ड हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए हमारा जो जॉइंट का आर्टिकुलेशन, जॉइंट होता है जॉइंट का स्ट्रक्चर। यू नो दैट इट इज़ अ एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट कहलाता है, जैसे मैंने बताया था आपको इन द प्रीवियस वीडियो। हिंज जॉइंट का आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं है कि हिंज जॉइंट बैक साइड में मूव करता है कि नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस डालेंगे, अपने जॉइंट को इंजर्ड कर लेंगे। कौन सा जॉइंट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कैसे फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, किस तरीके से हम उसकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मसल्स की, तो उन चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एफिशिएंट हो जाती है, हमारा मूवमेंट जो है वो इम्प्रेसिव और एफिशिएंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट लीवर एंड इट्स टाइप्स। लीवर यहाँ पर एक तो लीवर होता है जो आपका ऑर्गन है जो बाइल जूस सेक्रेट करता है, उसके हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टूल। लीवर इज़ अ टूल दैट मेक्स आवर और योर वर्क ईजियर। ऐसा टूल जो हमारे काम को आसान कर दे उसे हम भी लीवर कहते हैं। लाइक स्टेपलर, सीजर, हैंडपम्प, दीज आर ऑल द टूल्स जो हमारे काम को ईजी बना रहे हैं। जैसे कि साइंस की चीज़ें आपने अगले क्लास पढ़ी है, तो ये चीज़ों के बारे में जब पता होगा आपको तो आप अपनी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं वो भी टूल की तरह काम कर रहे हैं। हमारा हैंड है वो भी टूल की तरह काम कर रहा है। यू कैन ईजिली पिकअप द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ हैंड, यू कैन ईजिली थ्रो द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर लेग्स। तो लेग्स जो आपके यहाँ हैंड से ही टूल की तरह काम कर रहे हैं, तो ये टूल की तरह काम करते हैं, तो इसमें कौन सा लीवर है। एज यू नो दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ लीवर्स, फर्स्ट क्लास और फर्स्ट टाइप लीवर, सेकंड क्लास सेकंड टाइप लीवर, और थर्ड क्लास या थर्ड टाइप ऑफ लीवर। अभी तीनों टाइप के जो लीवर हैं हमारी बॉडी की जो जॉइंट्स हैं, जैसे हमारी नेक, हमारा हैंड या फिर हमारा टू, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और हमारी जो मूवमेंट है उसको एफिशिएंट बनाते हैं। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है या जो भी लीवर है यहाँ पर, उन लीवर्स में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, फलक्रम, लोड एंड एफर्ट। ऐसा हम जानते हैं फलक्रम होता है, यहाँ पर बैलेंस होता है, और लोड यानी जो वेट है यहाँ, और एफर्ट, एफर्ट मीन जिसके हेल्प से हम अपने जॉइंट को या उस लोड को पिक करते हैं या थ्रो करते हैं। तो फर्स्ट क्लास और लीवर जो होता है इसमें जो फलक्रम है वो सेंटर में होता है। सेकंड क्लास ऑफ लीवर में लोड विल बी इन द सेंटर, एंड थर्ड क्लास और थर्ड टाइप ऑफ लीवर एफर्ट विल बी इन द सेंटर। अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर में जैसे कि आपकी नेक, गर्दन, गर्दन में कौन सा जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है। एज यू ऑल नो दैट पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट ऑन योर नेक, आपकी गर्दन में पाइवट जॉइंट है। अभी पाइवट जॉइंट जो है ये वर्क करेगा एज अ फलक्रम, और आपको जो फेस है उसकी जो उसमें मांस और बोन्स है वो एक लोड हो गया, एक वेट है, वो आगे की तरफ आपकी जो नेक है वो झुक जाएगी। अगर बैक की जो मसल्स हैं वो एफर्ट ना लगा के उसका रोके, अगर एफर्ट नहीं लगाया जाए तो गर्दन आपकी नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो एफर्ट्स कौन अप्लाई करेंगे, वो विल अप्लाई द एफर्ट मसल्स और नेक मसल्स। एफर्ट करने के बाद आपकी जो नेक है उसको अपवर्ड और साइडवर्ड में मूवमेंट देते हैं। अब जो मूवमेंट जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, एक पाइवट पे हो रहा है, पाइवट जॉइंट पे हो रहा है, जो कि फलक्रम की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से आपका एक लीवर की तरह आपकी जो नेक जो है वो वर्क कर रही है, आपकी जो फेस है उसके मूवमेंट में, आपकी नेक के मूवमेंट में
हेल्प कर रही है। सेकंड क्लास और सेकंड टाइप ऑफ लीवर जो है आपकी बॉडी का, जो वो आपके माना जाता है, ये जो बॉडी में आपकी, इसमें बताया था आपको, लोड विल बी इन द सेंटर। लोड जो है कहाँ होता है, सेंटर में होता है। अब लोड सेंटर में है तो जॉइंट की अगर बात करें तो आपको जो ये नेक जॉइंट्स है, नेक में जैसे बताया मैंने आपको, लेग में क्या होता है, नेक में आपके एफर्ट्स बैक साइड में लगते हैं और पाइवट जॉइंट सेंटर में होता है। ऐसे सेकंड क्लास ऑफ लीवर में लोड विल बी इन द सेंटर। लोड मीन्स जो वेट है आपकी बॉडी का वेट, ये होता कहाँ प्रेजेंट है, ये होता है आपके लेग में प्रेजेंट होता है। फुट जो आपका है, जैसे आपकी पूरी बॉडी वॉक कर रही है या बॉडी के वेट को आप होल्ड कर रहे हैं खड़े हुए हैं, तो खड़े होने के बाद वॉक कर रहे हैं तो आप एक ऐसी पोजिशन आती है जो आपका जो फुट है, जो फुट पंजा जो आपका है, वो एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है, आप बॉडी को बैलेंस कर रहे जा रहा है। फुट आपका तो फलक्रम है वहाँ पर, और जो एफर्ट है जो उस बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी जो काफ मसल्स, पिंडी की मसल्स हैं, वो एक एफर्ट्स प्रोवाइड कर रही है। तो एफर्ट्स जो है वो बैक साइड में हो जाता है इसमें, और लोड पूरी बॉडी का जो है वो सेंटर में आ जाता है। तो एग्जाम्पल हमने कोरिलेट करा है बॉडी का, फुट जो लेग वो सेकेंड क्लास लीवर की तरह है। थर्ड क्लास ऑफ लीवर जो आपका, ये आपकी बॉडी में अगर कंपेयर करें तो हैंड जो आपका है वो थर्ड क्लास ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है। कोई भी चीज़ पिक कर रहे हैं आप, तो पिक करते समय लोड जो सामान पिक करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लोड माना जाएगा, वेट है उसमें। और एफर्ट्स आपकी जो आर्म्स की जो मसल्स है वो एफर्ट्स अप्लाई करेंगे उस लोड को पिक करने के लिए। अब पिक करेंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी बनेगा, तो जो बैलेंस होगा, वो बैलेंस जो मेंटेन होगा वो फलक्रम के थ्रू मेंटेन होगा। वो फलक्रम कौन होगा, यहाँ पर नी की, जैसे आपके नी होती है इसी तरीके से एल्बो, नी जॉइंट जैसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट, वो सेम जॉइंट आपके एल्बो में भी होता है, इसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो कैसा वो काम करेगा, फलक्रम की तरह काम करेगा। यहाँ पर एल्बो और हिंज जॉइंट फलक्रम की तरह काम करता है, और लोड आपका फ्रंट में आ जाता है और सेंटर में आपको आता है एफर्ट्स, जो कि आपकी आर्म्स की मसल्स हैं, वो एक एफर्ट्स की तरह यहाँ काम करते हैं। तो ये आपकी बॉडी का जो जितना भी कोई काम है, कैच करने का, पिक करने का, ड्रॉप करने का, थ्रो करने का, तो ईजिली कन्वीनियंटली हो जाता है। और लीवर से कंपेयर करें उसे तो कौन से लीवर के पार्ट में आता है, थर्ड क्लास के लीवर पार्ट में। तीन तरह के ये लीवर है हमारी बॉडी में, अलग अलग तरीके पर प्रजेंट है, और हमारी बॉडी के जो वर्क हैं उनको ईजी कन्वीनियंट बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास और फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर एंड थर्ड टाइप ऑफ लीवर। नेक्स्ट आपका है इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है वेयर फोर्सेस कैंसिल्स ईच अदर, जहाँ पर दो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। एज यू हैव सीन, जो बच्चे होते हैं वो सी शॉ पे बैठते हैं, सी शॉ एक गेम है छोटे बच्चों का, इसमें एक तरफ बैठने में जो भारी बच्चा होगा या वेट ज़्यादा होगा उस साइड से सी शॉ जो है वो दब जाता है और दूसरी साइड जो है अप साइड हो जाती है। दोनों का वेट बराबर है, जैसे विंग बैलेंस, तो विंग बैलेंस में अगर वेट बराबर है तो इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स दोनों साइड का वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, दोनों तरह के जो वेट का फोर्स है। तो वह तो इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन व्हेन टू फोर्सेस कैंसिल्स ईच अदर। एंड बैलेंस क्या है, बैलेंस इज अ कंडीशन टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना बैलेंस कहलाता है। अभी दोनों चीज़ें इक्विलिब्रियम बैलेंस दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक एंड द डायनेमिक। ये वर्ड पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक एंड व्हाट डू मीन बाय डायनेमिक। स्टैटिक मीन्स ऑन द रेस्ट पोजिशन, ऑन द सेम पोजिशन। तो इक्विलिब्रियम यानी जब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं विदाउट एनी मूवमेंट, एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन द फोर्सेस कैंसिल्स ईच अदर एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑल्सो, ऑब्जेक्ट चल भी रहा है। जैसे कि रोप पे चलना, रस्सी पे चलते हैं तो, या साइकिल बैलेंस ही बना के चल रहे हैं आप, और मूवमेंट भी हो रहा है। बैलेंस वही चीज़ है, उस कुछ कंडीशन को बैलेंस कर देंगे यानी या मेंटेन कर लेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन को, तो बैलेंस कहलाएगा। ये भी दो तरीके का, स्टैटिक एंड द डायनेमिक, यानी कि जब आप इक्विलिब्रियम
पोजीशन को स्टैटिक यानी कि सेम पोजीशन में मेंटेन कर रहे हैं द स्टैटिक बैलेंस, और ड्यूरिंग द मोमेंट जब इक्विलिब्रियम को हम मेंटेन कर रहे हैं दैट इज नोन एज द डायनेमिक बैलेंस। इनका इंपॉर्टेंट रोल है स्केटिंग में, स्कीइंग में, जिमनास्ट में, स्पोर्ट्स में है, तो वो इक्विलिब्रियम को और बैलेंस को बहुत माइंड में रख के और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क हो। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी एक फिजिक्स की टर्म है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स टू मेंटेन द लाइन ऑफ ग्रेविटी विद इन द सपोर्ट ऑफ द बॉडी और बेस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का जो बेस है उसके पास तक अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बैलेंस इक्विलिब्रियम से बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर रही है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं स्टेबिलिटी के लिए और बैलेंस के लिए। स्टेबिलिटी मतलब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपकी यानी कि बेस लाइन तक आपकी जो ग्रेविटी है उसको अगर मेंटेन कर लेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी जो है टुवर्ड द सरफेस वो स्ट्रांग हो जाती है, यानी गिरने के चांस, बैलेंस होने के चांस बढ़ जाएंगे, गिरने के चांस कम हो जाएंगे और बैलेंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पहली चीज़ है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमेशा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोअर रहनी चाहिए टुवर्ड द डाउन साइड, सर्फेस की तरफ रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा सर्फेस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपका बैलेंस होगा बॉडी का भी और जिस इक्विपमेंट के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका भी। अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी की जो वेस्ट है उससे ऊपर चली जाएगी तो बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, आप जल्दी आप गिर जाएंगे, विल फेल डाउन। दूसरा इंक्रीज्ड मास, मास है एरिया है उसका वेट है वो इंक्रीज्ड होना, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कोई चीज़ ज़्यादा हैवी है, चौड़ी है, अगर बड़ी है, लेंथ में ज़्यादा है, ब्रेथ में ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी सरफेस के साथ ज़्यादा होगी, इसका बैलेंस सरफेस के साथ ज़्यादा होगा। अगर एक सुई को आपको स्टेबल करना है, खड़ा करना है तो मुश्किल होगा, डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टैंड अलोन, कोई सिंगल निडल है कोई नहीं हो पाएगी ना, और कोई एक चौड़ा पाइप है, थिक पाइप जिसका डायमीटर ज़्यादा है 1 फीट या 10 इंच भी है, वो ईजिली सरफेस पे स्टेबल हो जाएगा। जितना ज़्यादा मास होता है ये चीज़ों कर रही है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एक और प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी का वो है एक्सपेंड द बेस सपोर्ट, जितना आप बेस सपोर्ट की तरफ एक्सपेंड करेंगे यानी कि सपोज आप खड़े हैं और आपने पैर अपने बहुत पास पास कर रखे हैं, लेग्स बहुत क्लोज है तो आपकी स्टेबिलिटी कम होगी और आपके लेग्स थोड़े से बाहर है, ज़्यादा बाहर नहीं थोड़े बाहर है, 1.5 फीट या 2 फीट तक बाहर है, और उसके अगर आप खड़े हो तो आपकी स्टेबिलिटी जो बैलेंस है वो सरफेस के साथ ज़्यादा स्टेबल होगा। इट्स ऑल्सो अनदर प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी एंड द बैलेंस। नेक्स्ट इज पुश और पुल क्लोज टू बेस ऑफ सपोर्ट, जो पुश करना है यानी धक्का देना, पुल करना खींचना, अगर बेस ऑफ सपोर्ट की तरफ है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने अपनी बॉडी के हाथ धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए नीचे की तरफ सरफेस की तरफ करेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ अगर आप करेंगे अपवर्ड साइड यानी कि जो बेस ऑफ सपोर्ट से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो आपकी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सपोज आपके हैंड्स ऊपर हैं, हैंड्स अप है, फिर मूवमेंट करने को कहा जाए तो आपके तो मूवमेंट है थोड़ा सा कैसा होगा, वो ईजिली फेल डाउन होने वाला होगा, लेकिन आपके हैंड्स और बॉडी थोड़ी सी सर्विस की तरफ है, बेस ऑफ सपोर्ट की तरफ है, एंड इवन इन दैट कंडीशन यू आर मूविंग और परफॉर्मिंग देन यू विल मच स्टेबल, आप ज़्यादा स्टेबल होने की कंडीशन में रहेंगे होंगे या फिर आप होंगे। तो ये कंडीशन क्या कर रही हैं, आपको स्टेबल और बैलेंस बना रही है। तो ये जो फिजिक्स के कुछ टर्म्स हैं, दीज आर सम टर्मोलॉजीज दैट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिजिकल एक्टिविटीज और डेली रूटीन एक्टिविटीज। तो इनके बेसिक कंसेप्ट्स को अगर आप समझते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, दीज थ्योरी का आपको पार्ट बन जाता है, तो इनको थोड़ा थोड़ा समझना है ईजिली और थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो फिजिकल एजुकेशन में फिजिक्स को ज़्यादा डीपली नहीं लेना है, उसके जो सुपरफिशियल यानी कि बेसिक कंसेप्ट हैं उन्हें समझना है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस rest of the topics. Till then, have a nice time.